दिवाली के टाइम सभी मिठाइयाँ लाते हैं, लेकिन घर की मिठाई की बात ही अलग होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ 7 कप बर्फी। ये ना ही कभी आपने बनाई होगी, ना ही कभी खाई होगी। सबसे पहले लेंगे कढ़ाई और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। उसमें डालेंगे हम 1 कप बेसन। ये 7 कप बर्फी है तो इसमें हम 7 कप सामान डालेंगे। आप कोई भी घर की कटोरी कप उससे मेज़र कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ उसी से ही मेज़र करना है जो आपने कटोरी या कप सेट किया है। इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। फिर हम डालेंगे 2nd कप यानी कि 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है हमें। फिर डालेंगे हम इसमें 3rd कप यानी कि 1 कप घी। फिर हम इसे चलाएंगे अच्छे से ताकि इसमें लम्ब्स ना बन जाएं। 2 से 3 मिनट में ये बेसन अच्छे से भून जाएगा और जब इसमें से घी अलग होना शुरू होगा और थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 4th कप जो कि है 1 कप काजू का पाउडर। काजू पाउडर बनाने के लिए मिक्सर जार लेंगे, उसमें 1 कप काजू डालेंगे और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसे एकदम से नहीं चलाएंगे, पल्स पे चलाएंगे यानी रुक रुक के इसे चलाएंगे। काजू पाउडर हमारा देखिए रेडी है, ये बिल्कुल फाइन होना चाहिए इस तरीके से, इसमें काजू साबुत नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। स्लो फ्लेम पर हम इसे चलाते रहेंगे। इसमें ना तो हमने चाशनी बनानी है, ना ही खोया लाना है, ना ही मिल्क पाउडर डालना है। ये घर के सामान से ही इजीली बर्फी बन जाती है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है। और अब डालेंगे 5th और 6th कप यानी कि 2 कप हम इसमें डालेंगे चीनी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब बारी आती है हमारा 7th कप डालने की यानी कि हम इसमें डालेंगे 1 कप भर के दूध। दूध से इस मिक्सचर में बाइंडिंग आएगी जिससे हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो जाएगी। इसे हम 3 से 4 मिनट तक चलाएंगे। थोड़ा ये उड़ता है जब हम इसे भूनते हैं तो इसलिए थोड़ा दूर ही रहें। और जब घी अलग होने लगे, ये देखिए मिक्सचर हमारा बर्फी सेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाना इसे, हमें इस तरीके से रेडी कर लेना है। फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम बर्फी की ट्रे रेडी कर लेते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा हम घी लगा देंगे ताकि जब हम इसे डीमोल्ड करें तो ये ईजीली बर्फी हमारी निकल जाए। और जो हमने मिक्सचर रेडी किया है वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से ऊपर से इसे प्लेन करते हुए हम इसे सेट कर देंगे। देखिए घी कितना अच्छे से निकल रहा है इसमें से, बन गई ना फटाफट ईजीली 10 मिनट में हमारी बर्फी। इसमें ना ही हमने कोई झंझट किया चाशनी बनाने का, ऊपर से हम काजू से इसे गार्निश कर देंगे। चाहे तो आप बादाम या पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं। और इसे सेट करने के लिए हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। और अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे, आप अपने मनचाहे आकार में छोटे बड़े पीसेस में इसे कट कर सकते हैं। और अगर ये बर्फी आपको देखने में और खाने में अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पे मिलेगी आपको हर तरह की वीडियोस और शॉर्ट्स। चलिए मैं आपको बर्फी निकाल के दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फी की शेप बनी है और इजीली ये ट्रे में से निकल भी गई। इस बर्फी की सबसे खास बात यही है कि सब कुछ एक ही कप से मेज़र करना है। सामान स्क्रीन पर आ गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।